कि आपकी गाड़ी अगर पंक्चर हो गया तो बनाएगा आप संकेत, ऐसा नहीं। ठीक है, गाली भी दीजिएगा और टायर ही बनवाएगा नहीं। कौमी एकता मंच के बैनर तले निरसा शिवलीबाड़ी जीटी रोड के समीप ईट मिलन सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन व जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद रहे। जब इरफान अंसारी से कर्नाटक जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कर्नाटक की जीत बजरंग बली का जीत है और बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और 2024 में हम सभी दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं। चुटकी लेते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि गाड़ी पंचर होगा तो अब नहीं बनाएंगे अल्पसंख्यक, क्योंकि जब अल्पसंख्यक पंचर बना सकता है तो गाड़ी भी बना सकता है। वो अलग बात है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण हम एक वर्ग को गाली दे दें और दूसरी वर्ग को नीचा दिखाकर आप सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका कर्नाटक का चुनाव। इस देश में, इस देश की खूबसूरती आपसी भाईचारगी से है, इस देश की खूबसूरती आपस में हम लोग एक साथ रहने से है। और मैं पहले भी कहा हूं कि हर जगह अलग अलग भूमिका है। ठीक है, अगर कोई महंगी कार में चल रहा है, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग चल रहे हैं, बीच रास्ते में गाड़ी फंस गया, टायर पंक्चर हो गया, तो बनाएगा कौन? कौन बनाएगा, कौन वर्ग बनाएगा, बताइए। तो जब आप फंसते हो तो मुसलमानों को याद करते हैं और जब गाड़ी में घूमते हैं तो गाली देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह एक दूसरे के पूरक है। आपसी भाईचारे को हम चाहेंगे कि आप लेके चलिए और ये मानसिकता आप हटा दीजिए कि आपकी गाड़ी अगर पंक्चर हो गया तो बनाएगा आप संकेत, ऐसा नहीं। ठीक है, गाली भी दीजिएगा और टायर ही बनवाएगा नहीं। अब मैं तमाम अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि गैरेज में काम मत कीजिए आप।